अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी अभी दैनिक जागरण की एक खबर पढ़ रही थी, उसके लिए यही कहना है कि 900 आबादी वाले मेरे गांव में से 35 लोगों की कोरोना टेस्ट करके बिहार प्रशासन ने पूरे गांव को कोरोना मुक्त बता दिया है। मतलब ये कि 900 लोगों में से 35 लोगों को कोरोना नहीं है, यानी पूरे गांव में किसी को भी कोरोना नहीं है। ये निष्कर्ष जितना अवैध और वाहियात है उतना ही हास्यास्पद भी है। इस अवैध और वाहियात निष्कर्ष को दैनिक जागरण ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। और मेरे गांव में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में हुई 7 मौतों के मेरे दावे को झूठा करार दिया है। हो सकता है एक खारिज आंकड़ा दैनिक जागरण और बिहार प्रशासन के लिए, लेकिन मेरे लिए ये मृतक वो लोग थे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती पहचानती थी। उनका नाम भी मुझे पता है, गामा सिंह जिनका उम्र 70 साल था, झूरी यादव, रामदयाल की मां, नाम मैंने लिखा हुआ है, अलियार राम, बाजा चौधरी की मां, वीरेंद्र यादव की पत्नी। हो सकता है ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोग हैं। सातवें मृतक का, मम्मी मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ा कर लेने थे, मेरी माता जी डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। सातवें मृतक का नाम भी मैं जल्दी ही बताऊंगी। और बाकी दैनिक जागरण के लिए यही कहना कि ये बहुत अच्छा अखबार है, समोसे का पूरा तेल सोख लेता है।